महासभा के उपलक्ष में मंच पर विराजमान अध्यक्ष मंडली और मंच पर देश का विकास की ओर ले जाने वाले मजदूरों सबके मसीहा सभी ट्रेड यूनियन का वरिष्ठ नेतागण और हमारे देश से कोने कोने से आए हुए मजदूर देश की विकास को चिंतन करने वाला सभी भाई बहन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बनाया हुआ ट्रेड यूनियन TUCC के तरफ से सभी को हार्दिक जय हिंद लाल सलाम। साथी देश में देश को राजनीति की ओर ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा डायलॉग आया था जब पार्लियामेंट का चुनाव हमारे देश में था, उसमें आया था कि मैं अच्छा दिन लाएंगे। अच्छा दिन किसको लाएंगे? सभी वर्गों के लाएंगे। मजदूरों के लिए अच्छा दिन लेकर आएंगे, महिलाओं के लिए अच्छा दिन लाएंगे, युवाओं के लिए अच्छा दिन लाएंगे, विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन लाएंगे, मजदूर भी। मजदूर अपना जो लाल निशान लाल पहचान लेकर आया था, मजदूर में भी एक आशा आया कि चलो अच्छा दिन लाने वाले झूठा ही सही। हमारे वरिष्ठ नेता कल बोल दिए थे कि वो चाय भी नहीं बेचता था सिद्धू साहब ने, लेकिन झूठा चाय बेचने वाला चलो एक मजदूर का साथी आ गया, क्योंकि चाय बेचने वाला मजदूर है, इसलिए उस पर हम लोग आशा किया कि चलो मजदूर के लिए तो अच्छा दिन जरूर लाएगा। लेकिन आने के बाद वो अच्छा दिन किसके पास चला गया? आज भी हमारा एक साथी ने बोला था कि अच्छा दिन अडानी के घर में चला गया, अंबानी के घर में चला गया, जेठली के पास रह गया। लेकिन मजदूर के पास क्या रहा? मजदूर के पास वही रहा जो थर्मल पावर में घटना घटा, ये भी आप लोग के बीच में है। हमारा मजदूर का भी एक सपना होता है कि हम मजदूर हैं, लेकिन आने वाला हमारा जो वंशज है, जो हमारा चिराग है, वह मजदूर नहीं बने, वह भी एक डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने। आने एक डॉक्टर भी एक मजदूर, लेकिन एक अच्छा कुशल मजदूर हो जाए। लेकिन हमारा सपना आपकी सपना साकार नहीं होता है, क्योंकि मजदूरों को इस तरह के व्यवस्था नहीं दिया जाता है। व्यवस्था क्या? अगर हमारे साथ 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, जो हमारे मेहनताना मिलता है उससे हम बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। मेरा सपना वहीं रुक गया। मेरे बूढ़े माँ बाप बीमार होते हैं, उसको हम अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं करा पाते हैं। मेरा बाप माँ की जिंदगी वहीं रुक गई। यही अच्छा दिन था, यही अच्छाई दिन थी। हिंदुस्तान से पूरे मजदूर दिल्ली में रोजगार के लिए आते हैं, उनको रहने की व्यवस्था नहीं दिया जाता है, उसके बच्चे की पढ़ने की स्कूल की व्यवस्था नहीं की जाती है। यही अच्छाई है, इसी को अच्छा दिन मानते हैं। साथियों, अब आपके बीच में लाल निशान लाल बत्ती है। मैंने इस मन से निवेदन करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी आके देख लो, आने वाला 1919 में तुम्हारा लाल बत्ती बंद हो जाएगा। तुमको सिग्नल हम नहीं देंगे आगे जाने के लिए, यानी लाल बत्ती को हम जला कर रखेंगे। नरेंद्र मोदी जी, हमारे से जो आप परामर्श करके जो विरोधी बात कर रहे हो आज, साथियों अच्छाई दिन की मजदूर की मार, इसके पहले भी जादू की छड़ी की कहानी सुनते थे, जादू की बातें आया था, लेकिन 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी कहा मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, मैं दादा हूं और जो मैं कहूंगा वो तुमको मानना पड़ेगा। 8 नवंबर को 8 बजे क्या किया? तुम्हारा जो मेहनत खून पसीना की कमाई है उसको मैं कागज में बदल दूंगा, बाजीबा उसको मैं कागज में बदल दूंगा, और कागज में बदल दिया। कागज में बदलने के बाद फिर 20 लाख मजदूर अपने काम से बाहर हो गया। और इतने नहीं, 20 लाख मजदूर के हम से बाहर हो गया, माता पिता बहन
एक थैंक यू। साथियों, पहली बार नोटबंदी के 8 नवंबर से, इसके बाद एक लाया एक टैक्स लाएंगे जो भारत में एक टैक्स होगा, एक समानता होगा, जीएसटी भी हमारा मजदूरों को मजदूरी से दूर रखा है साथियों। इसलिए इनकी दुरात्माएं, इनकी जो मजदूर विरोधी, जो बेरोजगारी विरोधी, जो महिला विरोधी, जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उनको हमको पढ़ाई को बंद करवाना पड़ेगा और 2019 में लाल बत्ती जला कर रखना होगा। इसी से संकल्प लेकर हम लोग जाएंगे, समय बहुत कम है। आप लोग 1919 में लाल बत्ती जला कर रखेंगे और नरेंद्र मोदी जी को रोक के रखेंगे। सभी साथियों को हार्दिक जय हिंद।